दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आपके घर पे रखे जाने वाले किसी भी रिमोट कंट्रोल, जैसे टीवी का है, होम थिएटर का है, एसी का है, उस रिमोट कंट्रोल की हेल्प से आप पेड़ पौधों को कैसे पानी दे सकते हो। ये वाली सिस्टम मैंने बनाई है जिसकी हेल्प से आप किसी भी रिमोट कंट्रोल से इजीली पेड़ पौधों को पानी दे सकते हो और इससे इस सिस्टम को यानी वाटरिंग सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हो। सो गाइस, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ IR रिसीवर मॉड्यूल का, जिसमें एक टीसॉप रिसीवर सेंसर लगा हुआ है। जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं दोस्तों, उन सबकी परचेसिंग डिस्क्रिप्शन में दी है। सेकंड है ये 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल, इससे आप 230 वोल्ट तक के लोड को कंट्रोल कर सकते हो। थर्ड चीज है दोस्तों ये नोजल, ये ब्रास का नोजल है और ये मैंने अमेजोन से परचेस किए थे। टोटल 5 नोजल्स आए थे, जिसमें से एक नोजल मैंने DC जो मोटर पंप यूज़ करने वाला हूँ मैं, उसे लगा के रखा है इस पाइप के जरिए। ये पाइप भी आपको हार्डवेयर स्टोर में इजीली मिल जाएंगे दोस्तों, तो आप नोजल के हिसाब से ही पाइप लेना, नहीं तो फिर ऐसी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। जैसा मैंने इसे हॉट ग्लू लगाया है, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप टाइट फिटिंग वाला नोजल लेते हो तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है मेरे पास ये लिथियम आयन की बैटरी, जो मैंने एक पुराने प्रोजेक्ट में से निकाली थी। अगर आपके पास नहीं रहेगी तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमें लगेगा दोस्तों Arduino Uno माइक्रो कंट्रोलर, ये भी आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा और उसे मैंने कुछ वायर सोल्डर करके रखी है। ये मेरे होम थिएटर का रिमोट कंट्रोलर है दोस्तों, आप आपके टीवी का भी ले सकते हो, एसी का भी ले सकते हो, जिसमें भी बेसिकली IR LED रहेगी वो वाला रिमोट कंट्रोल हमें लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं पावर सप्लाई के लिए पावर बैंक का यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट दोस्तों मैं इसमें सेल्स यूज़ करने वाला हूँ, यानी बैटरीज यूज़ करने वाला हूँ, 4 AAA बैटरीज, तो वो आपको प्रोजेक्ट बनने के बाद दिख जाएंगी। इस रिमोट कंट्रोल में दोस्तों जितने भी बटन्स होते हैं उन सबके अलग अलग कोड्स होते हैं, तो हम जिस भी बटन का यूज़ करने वाले हैं उस दो स्पेसिफिक बटन यानी एक ऑन और एक ऑफ के बटन का कोड क्या है उसे हमें देखना है। तो यहाँ पर मैंने 3 वायर सोल्डर की है माइक्रो कंट्रोलर के बोर्ड को, जिसमें से ये दो है, एक पॉजिटिव और निगेटिव पावर सप्लाई, जिसमें से दोनों हमें लगा देनी है, एक VCC को और एक ग्राउंड को। और जो थर्ड पिन है डेटा पिन, उसे मैंने Arduino के पिन नंबर 7 में लगाया है और उसे हमें इसके इन वाले पोर्ट में लगानी है। टोटल 3 पोर्ट्स होते हैं इसमें, तो इन वाले पोर्ट पर हमने लगा दिया है। इसमें आपको एक चीज़ करनी है, सबसे पहले इस रिमोट को रिमोट के बटन का कोड फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जो फर्स्ट इफ है उसके आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा देने हैं, और उसके बाद जो उसके नीचे एल्स इफ है उसके आगे भी 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा देने हैं। कोड अपलोड हो गया है। अभी कोड अपलोड होने के बाद आपको फट से सीरियल मॉनिटर ओपन करना है और सीरियल मॉनिटर में जिस भी बटन को आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे मैं इसमें ऑफ के लिए यूज़ करूँगा ये पावर बटन, तो पावर बटन को प्रेस करना है। तो ये जो कोड है दोस्तों यहाँ पर आ रहा है इसका 40136318 35 आपका डिफरेंट रहेगा। तो ये है ऑफ का कोड, और ऑन के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ 1 नंबर का, तो 1 का कोड देखते हैं क्या है। तो 1 का कोड है 64254 6947, आपका डिफरेंट रहेगा, आप कौन से भी 2 नंबर्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको बस यहाँ से कॉपी करना है और इसको क्लोज करके इसे ओपन करना है, और जो इफ़ के आगे फॉरवर्ड स्लैश लगाए थे उन्हें डिलीट करना है और इज इक्वल्स टू के बाजू में यानी राइट साइड में वो कोड पेस्ट कर देना है। सिमिलरली एल्स इफ़ का भी सेम, आपको कोड पेस्ट कर देना है उसमें, और फिर ये जो प्रोग्राम है उसे करना है आपको अपलोड आपके Arduino माइक्रो कंट्रोलर के बोर्ड में। सो गाइस, अभी सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं कनेक्शंस। अगर आपको सर्किट डायग्राम समझ में नहीं आया है तो आप वापस से सर्किट डायग्राम समझ सकते हो आराम से, कोई भी टेंशन नहीं है। ऑलराइट गाइस, कनेक्शंस हो चुके हैं। अभी हम इसके लिए एक बॉक्स बनाने वाले हैं, तो मैं फोम बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो या जो भी प्लास्टिक का बॉक्स आपके पास होगा, वो तो आपका वो तो देसी जुगाड़ है, वो जैसा आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। अगर आपको सर्किट डायग्राम समझ में नहीं आया है तो आप वापस से सर्किट डायग्राम समझ सकते हो आराम से, कोई भी टेंशन नहीं है।
आई होप गाइस कि आपको ये प्रोजेक्ट जरूर पसंद आया होगा। आपका जो भी थॉट होगा, जो भी डाउट होगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और इस प्रोजेक्ट जैसे आपको और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स देखने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, नोटिफिकेशन में और सिलेक्ट करना। आपके कोई फेवरेट टॉपिक्स होंगे तो प्लीज वो भी कमेंट करके बता देना, मुझे उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने में बहुत ही खुशी मिलेगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।